दिनांक 21 मई की मध्य रात्रि में 108 एम्बुलेंस पर रामवीर कलावत उर्फ तोरण द्वारा बताया गया कि उसका भाई पुरुषोत्तम पिता ज्ञान सिंह कलावत उम्र 28 वर्ष मोतीपुर का घायल अवस्था में ग्राम के तिगड़े पर पड़ा है, जिसे 108 एम्बुलेंस द्वारा लटेरी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान पुरुषोत्तम कलावत की मृत्यु हो गई, जिस पर थाना लटेरी ने मर्ग कायम कर शव का पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम कराकर डायरी। घटना थाना उनारसी कला क्षेत्र अंतर्गत होने से थाना उनारसी कला में मर्ग क्रमांक 0624 धारा 174 जाफो का कायम कर जांच में लिया गया। दिनांक 20-21 मई की दरमियानी रात्रि 3 बजे के आसपास 108 मोबाइल से एम्बुलेंस से जो है पुरुषोत्तम नामक व्यक्ति को थाना उनारसी कला के ग्राम मोतीपुर से लेके आए थे, जिससे काफ़ी चोटें थीं और चोटों की वजह से उसकी रक्तस्राव अधिक हुआ और उसकी मृत्यु हो गई थी, जिस पे थाना लटेरी में मर्ग कायम किया था और घटनास्थल थाना उनारसी क्षेत्र का होने से डायरी थाना उनारसी अग्रिम जांच के लिए भेजी गई थी। मृतक पुरुषोत्तम के वासन भाई रामवीर के द्वारा बताया गया कि इसे जो है किसी अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा मारपीट करके ग्राम मोतीपुर के तिराए पे छोड़ के चले गए और परिवार के अन्यजनों से भी पूछताछ की गई। पूछताछ पे ये मालूम पड़ा कि पुरुषोत्तम नामक युवक का जो है थाना आनंदपुर में आपराधिक रिकॉर्ड है और इनके परिवार में कृषि भूमि के बंटवारे का भी नामांतरण होना शेष था और ये पुरुषोत्तम इसे बेचना चाह रहा था, इसमें इसकी परिवारजन की असहमति थी। साथ ही शराब पीने का ये आदि थे और शराब पीने के बाद में इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता था, तो और घर में परिवारजन को महिला जो सदस्य हैं उनके साथ भी इसकी अमर्यादित व्यवहार रहता था मृतक का। इस वजह से नाराजगी के चलते इसके भाई रामवीर के द्वारा उसके जीजा जो गुना के रहने वाले हैं राजू, उनके साथ मिल के एक आपराधिक षड्यंत्र किया और सुनियोजित तरीके से उसको शराब पीने के लिए ले गए और वो गुना से उसके जीजा अपने एक दो साथियों को साथ में लाएँ और उनके साथ में इसे मारपीट की गई। मारपीट करने के बाद इसको चौराहे पे छोड़ दिया गया और फिर 1.5 घंटे तक उसने रामवीर ने जो है इसे घर में ही रखा पुरुषोत्तम के, और उसको चोटें आई थी चूँकि इसलिए उसका ब्लडिंग काफ़ी हुआ था और वो ज़्यादा ब्लडिंग होने की वजह से उसकी जो है मृत्यु हो गई थी और थाना लटेरी के जो अस्पताल है वहाँ पर उसको भर्ती करवाया गया। इस प्रकार अपराध 302-201-120B IPC का पंजीबद्ध करके इसमें इसी के भाई रामवीर को गिरफ्तार किया गया और जीजा राजू की तलाश के लिए पार्टी भेजी गई थी तो अभी वो मिला नहीं, जिसको शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा।